दोस्तों आज इस वीडियो को आप देखते रहो। आप इस वीडियो में आज एक बहुत ही मस्त ऐप के बारे में जानने वाले हो। जैसे कि हम नॉर्मली हमारे फ़ोन में जो मान लीजिए फ़ोटो व्यूवर रहता है, मतलब आई मीन जो दिखाने वाला रहता है, जो गैलरी होता है, वो नॉर्मल होता है। आई मीन वो आपको ज़्यादा कुछ स्टाइल वगैरह देता नहीं है और नॉर्मल व्यू में लगता है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ऐप के बारे में बताऊँगा, ऐसे गैलरी ऐप के बारे में बताऊँगा जो कि बहुत खास है। मेरा नाम संदीप है, आप इस वीडियो को देखते रहिए, पूरा पता चल जाएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर जो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी बटन को भी दबा दें और ताकि अगली वीडियो की जानकारी मिले। वीडियो को शेयर भी कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में और नीचे आपको कमेंट कर देनी है बेस्ट गैलरी या फिर बेस्ट गैलरी ट्रिक एवर। और देखिए यहाँ पर आपको जो एक ऐप जिसका कि लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसे आपको डाउनलोड कर देनी है। उसे डाउनलोड कर देने के बाद ये देखिए ये जो सभी फ़ोन में सपोर्ट कर जाता है और यहाँ पर देख सकते हो इसका व्यू जो है ग्रिड व्यू में दिख रहा है तो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और इस तरह से यूनिक व्यू में आप मजा ले सकते हो इस ऐप का। और ये देख सकते हैं कितने अच्छे से व्यू हो रहा है। जूम वगैरह भी करते हो तो ये जो है लिस्ट 3D व्यू में आपको इस तरह से शो होता है। और यहाँ पे जो कॉर्नर में जो स्लाइडिंग का ऑप्शन, जो आपको ग्रिड का एक ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए स्पाइरल व्यू में ये जो है बन चुका है गैलरी का स्टाइल। काफ़ी यूनिक लगता है देखने में और इसका मुझे व्यू वगैरह बहुत ही अच्छा लगा था जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया था। और ये जो इसका जो स्टाइल जो चेंज होता है एक ही ऐप में इतने सारे स्टाइल, मतलब गजब है यार, गजब। और यहाँ पे आपको काफ़ी मस्त से जैसे किसी फ़ोटो को देखना होता है या किसी फोल्डर को ओपन करना होता है तो उसके अंदर का भी स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये देख सकते हैं इतने अच्छे अच्छे व्यू में आपको फ़ोटो देखने के लिए मिल रहा है और जिस पर आप क्लिक करोगे वो व्यू हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक किया मैंने और ये देखिए जूम करने के बाद इस तरह से जूम भी हो गया। और बैक करने के लिए आप बैक लोगे तो आपको उसी जो वो जो स्पिरिचुअल व्यू था उसी तरह से आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। और मतलब एक एक चीज़ यहाँ पे इस गैलरी में आप अगर जो मतलब फोल्डर्स को ओपन करोगे तो वो भी इंटरेस्टिंग लगता है देखने में और उसके अंदर फोल्डर के अंदर जाओगे तो वो भी मस्त लगता है देखने में। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और यहाँ पे देखते हैं राउंडिंग व्यू में ये दिख रहा है, जितना आप स्क्रॉल करते जाओगे वो दिखेगा। अगर आप जूम भी करते हो तो जूम करने के बाद भी ये दिख जाता है। और ये देख सकते हैं ये वॉलपेपर था मेरा कुछ, तो वॉलपेपर इस तरह से जो है सपोर्टेड मोड में था तो इस तरह से दिखता है, काफ़ी मस्त लगता है देखने में। तो ऐसे में कोई भी अगर पर्सन आपका जो गैलरी वगैरह देखेगा तो वो तो मतलब आई मीन शॉक्ड हो जाएगा, पूछेगा यार ऐसे 3D व्यू में किस फ़ोन में दिया है ऐसा। तो आप उसे इस ऐप को उसके फ़ोन में भी सेंड कर सकते हो या फिर उसे भी इस वीडियो के बारे में बता सकते हो। ये देख सकते हैं कितना 3D व्यू में दिया गया है, पूरा मस्त लगता है देखने में। जितना ज़्यादा अगर फ़ोटो आपके फ़ोन में रहेगा उतना ज़्यादा मस्त ये गैलरी दिखेगा। ये ऐसा ऐप है एकमात्र जितना फ़ोटो रहेगा उतना मस्त यहाँ पर लगता है देखने में। तो ये देख सकते हैं सब कुछ व्यू वगैरह आप कर सकते हो, फुल्ली 3D में था। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे वीडियो के यार अंत ऐसे मत कर देना यार, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी बटन को दबा दें ताकि और भी वीडियो की जानकारी मिल पाए। वैसे मेरा नाम संदीप है, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।